हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे। मैंने फूल गोभी लिए हैं, देखिए मैंने बड़ा बड़ा पीस करके रखा है। अच्छा सा वॉश कर लेना है। अब हम गोभी को बाजू में रख देंगे। आटा लगा लेंगे हम। सबसे पहले देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, आधा किलो। आटे के अंदर हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे नमक को भी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। आटा हमें मीडियम आटा लगाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। आटा हमें एकदम मुलायम में आटा लगाना है। देखिए आटा लगकर रेडी है। देखिए इस तरह हमें आटा चाहिए। अब हम इसको एक गन्ने से ढक के 15 मिनट छोड़ देंगे, जब तक हम मसाला बना लेंगे। अब हम सबसे पहले गोभी को कद्दूकस करेंगे। देखिए इस तरह हमें एकदम बारीक कद्दूकस कर लेना है। इस तरह हमें पूरा गोभी को कद्दूकस करना है। देखिए कितना एकदम बारीक, इस तरह हमें पूरा बारीक कर लेना है गोभी को। देखिए मैंने पूरा गोभी को अच्छा सा कद्दूकस कर लिया है। हमें एकदम देखिए पूरा एक जैसा रहना चाहिए, इसमें बड़ा नहीं रखना है। यदि बड़े रहते हैं गोभी के फूल तो उसको हटा दीजिएगा। अब हम इसके अंदर हरा मिर्ची ऐड कर देंगे। हरा मिर्ची आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। एक चम्मच हम अदरक और लहसुन डाल देंगे, दरदरा कूटा हुआ है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जरूर डालिएगा। एक चम्मच हम जीरा डाल देंगे। अच्छा सा हमें क्रिस करके डाल देना है। एक चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को भी अच्छे से हमें क्रिस करके डालना है। अजवाइन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप कम या ज्यादा डाल दीजिएगा। आधा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक आप लास्ट में ही डालिएगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मसाला बनकर रेडी है। मसाले को हम साइड में रख देंगे 15 मिनट के बाद। देखिए आटा भी अच्छा सा सेट हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अच्छा सा हम एक बार फिर से आटे को लगा लेंगे। देखिए आटा भी अच्छा सा रेडी हो गया है। साइड में हम सूखा आटा ले लेंगे। अब हम लोई बना लेंगे। लोई हमें मीडियम साइज की बनानी है।
देखिए लोई रेडी है, सूखा आटा लगा लेंगे हम। देखिए इस तरह हमें गिरी बनानी है। एकदम इजी है, इस तरह हर कोई बना सकता है। देखिए गिरी बनकर रेडी है। अब हम इसके अंदर ये मसाला डाल देंगे। देखिए अच्छा सा हमें इस तरह बंद कर देना है। ये ऊपर के आटा जो बचा हुआ है इसको हम बाद निकालेंगे। फिर से हम सूखा आटा लगा लेंगे। अब हम पराठे को अच्छा सा बेल लेंगे। पहले हमें हाथ से इस तरह देखिए थोड़ा थोड़ा दबाकर इस तरह कर लेना है। हल्के हाथ से हमें इस तरह हमें पराठे को बनाना है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सूखा आटा और डाल देंगे। देखिए पराठा बनकर रेडी है। अब हम पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे। देखिए अब हम पलट लेंगे पराठे को। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे। घी से बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी टेस्टी रहता है पराठा। आप चाहो तो घी या फिर ऑयल भी यूज कर सकते हो। पलट लेंगे हम। फिर से हम पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल गया है, खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं। इसको हमें पलटते हुए सेक लेना है अच्छा सा। देखिए पराठा बनकर रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। तो लीजिए दोस्तों, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में तो लाजवाब है। इसी तरह हम पूरा पराठा बना लेंगे। इसको भी हम तवे के ऊपर डाल देंगे, पलट लेंगे हम। घी लगा देंगे हम। पलट लेना है दोनों साइड भी। हम अच्छा सा घी लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। पलट देंगे। देखिए ये भी बनकर रेडी है। अब हम इसको भी बाहर निकालेंगे। इस तरह हमें पूरा पराठा बना लेना है। लीजिए दोस्तों, मैंने गोभी के पराठे पूरे बना लिए हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। आप इसको दही के साथ या फिर टमाटर की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे।
मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।